नमस्ते दोस्तों। दोस्तों ये जो मशीन आप देख रहे हैं इसका जो प्रॉब्लम है मेरे को पकड़ने में बहुत मुश्किल हो रहा है, इसीलिए मैं ये मशीन को कस्टमर को बोला आप रख के जाइए, बाद में मैं आपको बना के दूंगा। क्योंकि मैं 4 घंटा मेहनत करने के बाद उसको रख दिया, मैंने बोला भाई रख के जाओ, मैं बाद में आप लोग आपको बना के दूंगा, क्योंकि इसका प्रॉब्लम मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों ये चलते वक्त धक 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 का आवाज़ करता है, आप देख सकते हैं। दोस्तों ये मशीन ऐसे आवाज़ करता है जैसे फ्यूल ज़्यादा हो और स्पार्क प्लग जला नहीं पाता है। ये प्रॉब्लम दोस्तों 2 बजे से हो सकता है, अगर करंट नहीं आएगा तो ऐसा हो सकता है, अगर टाइमिंग सही नहीं होगा तो भी ऐसा होगा, अगर फ्यूल ज़्यादा खा रहा है तो भी ऐसा होगा। जितना फ्यूल जाना चाहिए उतना अगर जाता है तो मशीन आसानी से चलेगा, अगर उससे ज़्यादा जाता है तो मशीन आसानी से नहीं चलेगा, ऐसा आवाज़ करेगा। अभी हम एक एक खोल के मैं आपको चेक करता हूँ क्या क्या हुआ है। ये देखिए दोस्तों उसका पॉइंट थोड़ा ढीला है पर सही है, पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं, फिर भी हम एक नया पॉइंट उसको बदल देंगे, हमारा डाउट क्लियर हो जाएगा क्योंकि हमको बार बार खोलना नहीं पड़ेगा। दोस्तों ग्रीस इंजन कोई भी आसानी से कर सकता है लेकिन ये होंडा इंजन है ना, इसका करना बहुत मुश्किल है, उसको ऐसा ऐसा एक प्रॉब्लम आएगा उसको समझना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो नया मैकेनिक के लिए ये सही नहीं है, ये कर भी नहीं पाएंगे। दोस्तों पॉइंट को खोलने से पहले आप उसका गैप चेक कर लीजिए, पहले कितना गैप था उतना ही रखिए। ये देखिए जितना गैप था उतना ही रखिएगा, जब नया लगाओगे उतना ही रखिएगा। ये दोस्तों नया पॉइंट है, देखिए नया पॉइंट हम डालेंगे। दोस्तों ऐसा एक मशीन मेरे पास पहले भी आया था, उसका पॉइंट ठीक था, स्पार्क प्लग ठीक था, सब कुछ ठीक था, एक छोटी सी प्रॉब्लम के लिए मेरे को सारा सब कुछ खोलना पड़ा और उसी से मैंने कुछ सीखा भी और ये मशीन से भी कुछ सीखने को मिलेगा, इसीलिए मैंने उसको रखा है अपने पास, कस्टमर को दिया नहीं। अगर कस्टमर उसको लेके जाता तो मेरे को बोलता है उसको कुछ मालूम नहीं, इसीलिए मैं उसका जड़ तक जाने के लिए मैंने उसको रखा अपने पास, मैंने बोला नर अब रखिए मैं आपको करके दूंगा। ये देखिए दोस्तों जितना गैप था उतना ही हमने रखा है, अभी उसका मैग्नेट लगाएंगे और स्टार्ट करके देखेंगे क्या प्रॉब्लम सही हुआ या नहीं।
दोस्तों आप देख सकते हैं जैसा प्रॉब्लम पहले से था वैसा प्रॉब्लम अभी भी है। हम पॉइंट चेंज करने के बाद भी ये प्रॉब्लम नहीं गया। उसके बाद हमने हेड खोला उसका टाइमिंग चेक करने के लिए। दोस्तों अगर टाइमिंग सही होगा तो पिस्टन के ऊपर फायर होगा, अगर टाइमिंग सही नहीं होगा तो पिस्टन के ऊपर फायर नहीं होगा। अभी हम चेक कर लेते हैं आपके सामने। आप देख सकते हैं मैं उसका जो हाई टेंशन जो वायर है ब्लॉक का वायर उसको लगाऊंगा, तभी आपको पता चलेगा कि उसका टाइमिंग सही है या गलत है। अगर टाइमिंग गलत होगा तो भी मशीन ऐसा मिसिंग करेगा। दोस्तों मुझे नहीं लगता है उसका टाइमिंग गलत है। टाइमिंग अगर गलत होता तो वेल आसानी से ऊपर नीचे नहीं होता, क्योंकि टॉप पर पिस्टन है, वेल भी ऊपर नीचे हो रहा है। ये देखिए टाइमिंग बिल्कुल सही है, टाइमिंग में कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों सब कुछ करने के बाद फिर भी मशीन वैसा ही चल रहा है। अभी हमारा डाउट होता है कि फ्यूल ज़्यादा खा रहा है या फ्यूल ज़्यादा जा रहा है, इसीलिए ऐसा हो सकता है। अभी हम उसका जेट को खोल के देखेंगे उसमें क्या होल बड़ा हुआ है या जितना होना चाहिए उतना ही है, अभी देखेंगे। क्योंकि जैसे तेल तो जैसे फ्यूल ओवर होने से धक्का धक्का का आवाज़ करता है, और फ्यूल टैप को हम बंद करने पर जैसे फ्यूल कम हो जाता है उसके बाद जैसे इंजन आसानी से चलने लगता है, वैसा ही हो रहा है। लेकिन उसमें फ्यूल ओवरफ्लो का कोई समस्या नहीं है, फ्यूल ओवरफ्लो ही नहीं होता है या बाहर भी नहीं गिरता है। अभी हम खोल के चेक कर लेते हैं उसका जेड पिन को, क्योंकि मेरे पास पहले से भी ऐसा एक मशीन आया था, नया कार्बोरेटर हमने चेंज किया फिर भी वैसा ही किया, जैसा था वैसा ही हुआ। उसका पुराना कार्बोरेटर जैसा था नया कार्बोरेटर भी वैसा ही हुआ, इसीलिए हमने कभी होंडा इंजन का कार्बोरेटर चेंज ही नहीं करते उसी दिन से। उसी में अगर जेट में बड़ा होल हो गया है उसके वायर डाल देते हैं और काम हो जाता है। देखिए दोस्तों कितना बड़ा होल हुआ है उसमें, आपको दिख रहा है? ये देखिए दोस्तों कितना बड़ा होल हुआ है, ये कितना ज़्यादा ऑयल ले रहा होगा। दोस्तों इतना बड़ा होल नहीं होना चाहिए, लेकिन ये चलते चलते ऐसा हो गया है। अभी देखिए मैंने उसके अंदर 29 गेज का मैंने एक वायर दिया हूँ, देख सकते हैं आप। ये देखिए दोनों साइड से मोड़ लीजिए ताकि ये निकले ना। दोस्तों अगर ये काम नहीं किया ना, अगर ये वायर अगर मोटा हो जाएगा तो आपका चोक डालने पर चलेगा। चोक जैसे ही आप ऑफ करोगे, चोक ऑन करने पर ये चलेगा, चोक ऑफ करने पर बंद हो जाएगा। उसके बाद आपको ये जेट को खोलना है, 29 नंबर के जगह 30 नंबर का डालना है, क्योंकि 30 नंबर उससे थोड़ा पतला होता है। दोस्तों ये टेक्निक लास्ट है, इसके बाद हम कुछ नहीं जान सकते, उसके बाद हमें कुछ पता ही नहीं। क्योंकि ये अगर फेल हुआ तो ये मशीन भी फेल हो जाएगा, ये मशीन हम कर ही नहीं सकते। मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ, मेरे को लगता है इसमें ये कास्ट है और कुछ नहीं कर सकते। पेट्रोल डाल दिया,